सम्मानित करने वाले साथ क्या है, केवल सम्मानित करने वाले साथ, केवल सम्मानित करने वाले साथ क्या क्या है। कार्यकर्ताओं का जोश है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं से मिलने को सम्मानित करने वाले साथी आ जाए, बाकी साथी पिछड़ जाए, केवल सम्मानित करने वाले साथी। बनारस साहब आके जाओ, आके जाओ बनारस साहब, आके जाओ एक एक करके आके जाओ, फिर मिलवाना, फिर मिलवाना, फिर और साहब फटाफट करो जल्दी। आगरा साथी आ जाए, आगरा साथी, आगरा साथी आ जाए, आ जाओ संदीप भाई आके आ जाओ, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर तनवीर आके आ जाओ जी, राणा साहब आगे आ जाओ, तलवीर पीछे, राणा साहब चार तरफ चार तरफ से आ जाए, सुनिए जी आ जाओ, परिवार साहब आ जाओ चार तरफ सारी तरफ से, अगला साथी आ जाए, अगला साथी भाई सुनिए आप पीछे को पीछे था, आज चलो सम्मानित कर रहा पीछे हट जाए, नरेश बीबीपुर नरेश चेयरमैन साहब, अगला साथी आ जाए, चेयरमैन साहब निकलो, आप निकलो, रोशन लाल जी मैं जिन्हें सम्मानित कर रहा पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। विरोध इस धरती के लिए, हरियाणा जिस धरती का नाम ही संघर्ष है, उस धरती के लिए बड़े फक्र और गर्व की बात है। एक तरफ कर्नाटक में श्री राहुल गांधी की तपस्या, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का संकल्प और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति नहीं, मैं जहां जाता हूं आपकी आत्मा और भावना साथ लेकर जाता हूं, और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की मेहनत, जहां एक तरफ पूरे देश की फिजा बदलकर कर्नाटक में कांग्रेस की विजय लेकर आई, वहां दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में दूसरी बार किसान और मजदूर के सामने दिल्ली और चंडीगढ़ की सत्तासीन सत्ता का अहंकार भी टूटकर जमीन पर आया। हरियाणा के दीप की जय बोलो, दीप की उठे बड़ा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नाटक की विजय और मजदूर और किसान की विजय, दोनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, मुझे अनेक साथियों ने हरियाणा के कैथल के, जींद के, पुंडरी के, उचाणा के, नरवाणा के, गुलाचीका के, कलेत के, सफीदों के, हर इलाके के साथी ने पिछले एक साल में अनेकों बार शिकायत की, और वो शिकायत थी, और मेरी मां ने भी की, आप सब मेरे मां पिता भाई बहन आप ही तो हैं, पर मेरी मां ने भी मुझे कहा कि एक साल बीत गया तुम घर लौट कर नहीं आते, और लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा इतना छोटा प्रांत है कि वहां का किसान का एक बेटा, कपिस्थल की तपोभूमि का एक नौजवान शायद कभी भी इतना बड़ा प्रांत जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली उनके बराबर है, वहां अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा। बार बार ये कहा जाता, इसको 2 मिनट बेटा बंद कर दे, बार बार ये कहा जाता था कि 75 साल में हरियाणा के किसी आदमी ने संगठन की जिम्मेवारी लेकर देश के तीसरे सबसे बड़े प्रांत में कांग्रेस की विजय पताका नहीं फहराई।
यह भी कहा जाता था कि एक जमाने में जिस प्रांत में गुलाम नबी आजाद जी के महासचिव होते हुए कांग्रेस 122-125 सीट लेकर जीती थी, वहां उनसे बहुत कम तजर्बे वाला व्यक्ति, उनसे बहुत कम उम्र वाला व्यक्ति, ऐसे समय में जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार नहीं, वो क्या कर पाएगा। पर हरियाणा की माटी को जब जब, हरियाणा की माटी को जब जब ललकारा गया है, हरियाणा की माटी ने हर बार महाभारत का, पानीपत का एक नया इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास रचकर दिखाया। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के असली शिरोधार कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, कर्नाटक का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी की असीम तपस्या, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार चलता संकल्प है। पर जैसे एक चींटी का योगदान जब रामायण लिखी गई तो उसमें था, हरियाणा का योगदान हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कोई हैसियत नहीं, वो केवल एक इंसान है। पर ये सच मानिए, मैं आपसे चाहे कितना दूर था, मैं आपसे चाहे हजारों किलोमीटर दूर बैठा था, पर आपका संकल्प, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद और हरियाणा की अस्मत को ना टूटने देने का संकल्प मेरे साथ था, और इसीलिए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की विजय पताका हम फहरा पाए। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वहां बजरंग बली जी का झूठा नारा लगाते थे। मैंने उन्हें कहा, शायद आप भूल गए, हरियाणा के लोग तो बजरंग बली जी के असली वंशज हैं, हमसे क्या मुकाबला करोगे। और बजरंग बली की जय बोलने से खुश नहीं होते। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं, बजरंग बली नाम है त्याग का, बजरंग बली नाम है सेवा का, बजरंग बली नाम है एक उंगली पर पहाड़ ले आने का, उठा लेने का, बजरंग बली नाम है इतिहास को बदल देने का, और बजरंग बली नाम है इतिहास लिख देने का, और हरियाणा के लोगों ने ये फिर करके दिखा दिया, ये साबित करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि असली बजरंग बली के वंशज तो हरियाणा के अंदर निवास करते हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, कर्नाटक की जीत का अगला संकल्प अब कैथल के ऊपर है। यह जीत केवल सरकार बनाने के लिए नहीं थी, यह जीत केवल सत्ता में आ जाने के लिए भी नहीं थी। हमने ये लड़ाई पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ी। आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गारंटियों की बात करते हैं, आज शिवराज सिंह चौहान आपके बेटे के द्वारा लिखी गई गारंटी मध्य प्रदेश में लागू करने की हैसियत उठाते, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उन्होंने बाकायदा अपना एमिसरी हमारे पास भेजा और कहा, रणदीप आपने क्या लिखा है, और उन्होंने तमिलनाडु में हमारी बहनों के लिए जो आपके बेटे ने लिखा था वो इस बजट में लागू कर दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू, उन्हें भविष्य की गारंटी कहकर लागू करना चाहते। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार ने उस गारंटी का एक और जज्बा लागू करके दिखाया।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने, जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, युवा कांग्रेस में जिन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने उन गारंटी की कॉपी मंगवाकर उसे लागू करना शुरू कर दिया। मैं जब कर्नाटक में हमारे साथियों को ये कहा करता था कि ये कांग्रेस की 5 गारंटियां एक दिन, मैं कांग्रेस के साथियों को हर जिले, हर विधानसभा, 224 विधानसभाओं में कई कई बार गया और उनको कहा एक दिन, मैंने कहा आप इसको हर घर में लेकर जाइए, एक दिन पूरा देश इसे लागू करेगा। ये रणदीप का वचन है, वो आज पूरा हो रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, वो घोषणा करके आई हैं कि कांग्रेस की वो 5 गारंटी अब अगली कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी लागू करके दिखाएगी। इसलिए ये लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं थी, ये लड़ाई केवल कांग्रेस को सत्ता में लाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई किसी को मंत्री या विधायक बनाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई थी कर्नाटक के 7 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की और पूरे देश में एक नया इतिहास की संरचना करने की। क्योंकि जब आपके अजीज ने, आपके बेटे ने कांग्रेस के उस एजेंडा की शुरुआत की, तो कर्नाटक समेत देश के कई लोग, कई पार्टियां, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री उसका मजाक उड़ाते थे। हमने ये कहा, प्रियंका गांधी जी आई, हमने ये वादा किया हर परिवार की एक मुखिया महिला को हर महीने 2,000 रुपया उसके खाते में जमा करवाएंगे। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया। नरेंद्र मोदी जी और खट्टर साहब तो गृहस्थी चलाते नहीं, उन्हें तो गैस का सिलेंडर लाना नहीं, मेरी माताओं और बहनों को तो लेकर आना है ना। काश कभी गैस का सिलेंडर मोदी जी भरवा के देखा होता, खट्टर साहब कभी भरवा के देखा होता तो पता चलता 400 का गैस सिलेंडर जब 1100 का हो जाता है तो पेट कटता है। 150 और 200 रुपया किलो की जब दाल खरीदनी पड़े, जो कांग्रेस के शासन में 60 रुपया किलो की थी, तो घर का बजट बिगड़ जाता है। जब 30 और 40 रुपया किलो दूध लेना पड़े और बच्चे को पलिया बांट बांट कर देना पड़े, क्योंकि पूरा पैसा नहीं है किसी गरीब के पास, हर किसान के पास, हर दुकानदार और मजदूर के पास, तो मां का कलेजा कट जाता है। जब खाना पकाने का तेल, डालडा तो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, अब तो डालडा के लिए ये देश तरसता है, 200 रुपए के अंदर सोयाबीन का तेल लेकर आना पड़े, तो माफ कीजिए कि फिर 2 बार आदमी देखता है जेब में पैसे हैं या नहीं, या फिर अंटी वाले निकालूं, या फिर जो पीपे के अंदर छुपा के रखे थे बुरे समय के लिए वो निकाल कर लेके जाऊं। इसलिए कांग्रेस की एक गारंटी आपका अजीज लेकर आया था। वहां लगभग 1,28,00,000 गरीब परिवार है। सबसे ज्यादा हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग उस प्रांत के अंदर है। जमीन नहीं, साधन नहीं, आय नहीं, केवल दर्द है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। इसलिए हमने फैसला किया, कितना पैसा भी लगे, कितना भी पैसा लगे, 1,28,00,000 परिवार यानी 4,42,00,000 लोग, हमारी जनसंख्या के मेरी छोटी बहन डबल, उनको 1 अगस्त से हर परिवार को 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे। सबने कहा यह नहीं हो सकता, हमने कहा हम करके दिखाएंगे। आज जब हमने बांटने का फैसला किया तो आज ही नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर एफसीआई को कह दिया, गरीबों के लिए पैसों में भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अनाज मत देना। ऐसे राक्षस लोग आज दिल्ली की सत्ता पर बैठे। मैंने हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को कहा, मैं आपकी बात करवाता हूं हमारे दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, हम अनाज लेकर आएंगे
कहां से? छत्तीसगढ़ से। और एक एक घर के अंदर, एक एक गरीब के घर में 10 किलो धान देकर आएंगे। 11,300 करोड़ लगेंगे तो लगे, और अगर हर महिला को 2,000 रुपया देने में 26,000 करोड़ रुपया लगे तो लगे। हमने ये कहा कि हर परिवार को जो उसकी एक साल तक की खपत है उसमें 10% जोड़कर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। उसको हमने कहा गृह ज्योति योजना है, घर में रोशनी हो गरीब के। 2,14,00,000 परिवार उस प्रांत में है, 2,14,00,000 बिजली के कनेक्शन है। 1 अगस्त से गुलबर्गा से राहुल गांधी बोलेंगे, 1 अगस्त से सबका बिजली का बिल माफ कर देंगे, हर गरीब का। इतने नौजवान जैसे हरियाणा में घूमते हैं उस प्रांत में भी घूमते, काबिलियत है, बीए पास है, डिप्लोमा होल्डर हैं, एमए पास है, पीएचडी है, नेट पास है, रोजगार नहीं। क्योंकि हरियाणा में खट्टर साहब नौकरी बेचते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक और खट्टर साहब जैसे बम्बई नौकरी बेचते थे। इसलिए हमने संकल्प लिया और कहा युवा निधि, हर वो बच्चा जो बीए पास करेगा, हर वो बच्चा जो डिप्लोमा पास करेगा, 2 साल तक 18 से 25 साल के हर नौजवान को 2 साल तक 3,000 रुपया बीए पास को, 1,500 रुपया डिप्लोमा वाले को देंगे। अगस्त और सितंबर से वो भी लागू हो जाएगा। हमारे एक एक सेक्शन जो था वो हमारे आदिवासी भाई हों, हमारी महिलाएं हों, हमारे दलित भाई बहन हो, मैं जब हर बार जाता था तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं मुझे एक ही बात कहती थी। मैं उनकी जबान तो शायद नहीं समझता, पर वो बात एक कहती थी हर बार कि बेटा जब हम बस में चढ़ती हैं तो बस में देने का पैसा नहीं है। और राहुल गांधी जी गए मैंगलोर और मैंने कहा कि आप वादा कर दीजिए कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हर वो महिला, हर वो बेटी जो कर्नाटक में किसी बस में भी चढ़ेगी, वो चाहे 500 किलोमीटर जाए, चाहे 2,000 जाए, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। हमने लागू कर दिया, उसको हम शक्ति स्कीम कहते, वो लागू हो चुका है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, जब हम ये स्कीम लागू कर रहे थे, जब ये एजेंडा लागू कर रहे थे, ये एजेंडा सफेद कुर्ते पजामे वालों का नहीं, ये एजेंडा किसी को मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं, ये किसी को एमएलए एमपी बनाने का भी नहीं, ये हर गरीब, हर दलित, हर पिछड़े, हर आदिवासी और हर किसान, हर छोटे दुकानदार की जिंदगी में रोशनी जलाने का था। सबने मजाक उड़ाया, बोले इसमें तो 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे, ये तो जिस प्रांत से आता है उतना तो उनका बजट भी नहीं है। सच है, हमारा तरक्की का बजट तो 50,000 करोड़ नहीं है, पर वहां की तो एक नगर पालिका का बजट भी हमारे कुल हरियाणा के बजट से बड़ा है, मैं क्या करूं। अकेला बेंगलोर की जो नगर पालिका है उसका बजट हरियाणा के बजट से बड़ा है, और प्रांत का बजट 3,50,000 करोड़ है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा आपको मैं चुनौती देता हूं, मोदी जी जिस चौराहे पर, जिस चौपाल में, जिस पत्रकार साथी के टेलीविजन चैनल पर या समाज के जिस वर्ग के बीच में आपको बहस करनी है करिए, हम 3,50,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ लोगों की जेब में डालकर दिखाएंगे। मैंने आपको आपके 10 मिनट लेकर यह बात इसलिए कही
कि एक ये मॉडल है सरकार चलाने का जो लोगों के लिए, एक वो मॉडल है जो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं। हरियाणा में आप आज चारों तरफ देख लीजिए, एक साल हुआ है केवल, एक साल तक पूरे देश का पंजाब, हरियाणा और पता नहीं कहां कहां से आया लाखों किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर पड़ा रहा, 700 किसान मर गए। एक साल तक वो धूप में, सर्दी में, अंधड़ में, गर्मी में बैठा रहा, पुकारता रहा, 5 कोस दूर देश का प्रधानमंत्री एयर कंडीशन में बैठा रहा, उसे फुर्सत नहीं मिली। नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली कि वो उन लाखों किसान के जाकर दुख के आंसू पोंछ सके, उनकी कराहट को सुन सके, उन गरीबों की आह को सुन सके। वो मरते रहे, हर रोज लाश जाती रही, हम हर रोज नए नौजवान भेजते रहे, कोई दलित था, कोई वाल्मीकि था, कोई रविदासिया था, कोई गुजर था, कोई जाट था, कोई रोड़ था, कोई राजपूत था, कोई ब्राह्मण था, हर समाज के लोग वहां गए, हर समाज के कोई सरदार था, हर समाज के लोगों ने संघर्ष किया। और आखिर में जब यूपी का चुनाव आया तो तानाशाह घबरा गया और तानाशाह ने वो कानून वापस ले लिए और कहा एमएसपी की गारंटी दूंगा किसान को, मजदूर को, उसकी मेहनत की। आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। एक दूसरी जोड़ी बैठी है चंडीगढ़ की सत्ता में, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की। वो हर रोज, दुकानदार हो, गरीब हो, मेहनतकश किसान हो, वो हर रोज किसी ना किसी का अपमान करते। क्या आपने सुना किसी मुख्यमंत्री को यह कहते हुए जब किसान और मजदूर अपना अधिकार मांगे कि एमएसपी नहीं दिया जा सकता? तो भैया एमएसपी देते की घोषणा क्यों करते हो? जब एमएसपी पे फसल को खरीदना ही नहीं तो एमएसपी की घोषणा क्यों की जाती है? किसान की फसल बारिश के अंदर बहती रही, किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर संघर्ष करता रहा। हमने तो किसान की कराहट सुनकर अपना आज का कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया। कल रात को जब उन्हें लगा कि अब ये संघर्ष के रास्ते पर रणदीप भी और कांग्रेस भी किसान के साथ जोर से चलेगी, तो 2 घंटे के अंदर फैसला कर लिया। किसान की जय तो हुई, किसान की विजय तो हुई, पर सड़कों पर किसान की, मजदूर की, गरीब की पीठ पर लाठियां और पेट पर लात खाने के बाद, जेल की सलाखों में किसानों के नेताओं को बगैर उनके परिवारों को बताए अंदर करने के बाद, मैं आपसे पूछता हूं, मैं मेरी फसल बेचने जाता हूं, मेरे साथ जो मजदूर का काम करता है भाई, वो भी अपना एक तिहाई बटाई का मेहनत मांगने जाता है, तो हम उस फसल बेचने के लिए सरकार हम पर कोई एहसान करती है या ये सरकार की जिम्मेवारी है? मंडी में हमारे आड़ती भाई बैठे, गुप्ता जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे, कैथल की, नरवाना की, सफेदों की, पुंडरी की मंडियों के अध्यक्ष बैठे, बहुत सारे आड़ती मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई बैठे। अगर ये अपनी मेहनत ले लेंगे और किसान की फसल बेचने में मदद कर देंगे तो ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का गठजोड़ है। दुष्यंत चौटाला जी, आपका एहसान नहीं, परंतु पुंडरी की एक मंडी पर ताला लगा दिया गया है अब से पहले। मेरे भाई सतबीर भाणा यहां बैठे हैं, ये बताएंगे। और धीरे धीरे हरियाणा की मंडी बंद करने की शुरुआत पहले पुंडरी और फिर कैथल से करने किया कि साजिश हो रही। क्यों? मंडी में बैठा आड़ती, मंडी में झराई करने वाला हमारा वाल्मीकि या नायक भाई बहन, मंडी में मजदूरी करने वाला हमारा रविदासिया समाज के भाई बहन, मंडी में मुनीम का काम करने वाले गरीब बैकवर्ड क्लास के साथी, मंडी में किसान के साथ मदद करने वाले हमारे व्यापारी भाई,
क्या उन्हें दो जून की रोटी खाने का अख्तियार नहीं? पर मोदी और खट्टर और दुष्यंत चौटाला हमसे यह भी छीनना चाहते हैं। अगर मंडी नहीं चलेगी, किसान की फसल नहीं बिकेगी, मजदूर को उसकी मेहनत नहीं मिलेगी, तो ये शहर, ये इलाका, ये प्रदेश कैसे चलेगा? क्या कर सकते हैं जेलदार साहब? और इतना नहीं, कहते हैं कि औलाद पता नहीं किसको कैसी पैदा हो जाए, परमात्मा सबको अच्छी औलाद दे। एक ऐसा व्यक्ति भी जो किसान की हिमायत की बात करता है, जबरदस्ती चिमड़ जाता है ना कोई, जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं, वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाता है। केवल और केवल पैसे की हवस, पैसा कमाने की हवस, जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, वो इतनी ज्यादा है कि सम्मान और अपमान का कोई समझ उनको नहीं। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की, हमारे बच्चों की आज हालत क्या है? HPSC, उसका असली नाम अब पता क्या है? कहते हेरा फेरी सर्विस कमीशन। ये है उसका असली नाम, HPSC, हेरा फेरी सर्विस कमीशन, या हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर, ये बन गया। HSSC की भी यही हालत है। हमारे बच्चे करें क्या? याद करिए आप, मैं पिछले 3 साल से लगातार जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है उस बात को उठाता हूं। आखिर में HPSC के दफ्तर से वहां का सेक्रेटरी करोड़ों रुपए के साथ अटैचियों में पकड़ा गया या नहीं, परंतु क्या किसी पर कार्रवाई हुई? ये कहते थे सबूत दो, अब तो सबूत भी दे दिया हम भाई, पूरा का पूरा HPSC बिका हुआ है, अटैचियों में करोड़ों रुपए हैं, वो पकड़वा दिया, अब और क्या सबूत दें खट्टर साहब? इसलिए कोई नहीं पकड़ा गया कि उस रिश्वत का पैसा उससे ऊपर तक जाता है, जहां आपके बेटे और बेटियों के भविष्य को बेचा जाता है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने तो दो और दुष्यंत चौटाला ने दो और बातें चला रखी, सारे हरियाणा के बच्चों को 5 साल से ये CET के चक्कर में उलझा रखा। CET नहीं हो गया, कोई हवा हो गया, एक बालक को भी रोजगार नहीं दिया, सारे बालक झुंझुना लिए CET के पीछे लगा रखे, कोई पोस्ट निकलते नहीं, जो निकल जाए HCS जैसी, ऐसी कलंकित सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की। तीसरी बार HCS की नौकरियों में धांधली और हेराफेरी पकड़ी गई है। 33 नंबर पे पास माना जाता है, 32 नंबर पिछले साल के पेपर के दे दिए, 32 सवाल अपने बच्चों को बता दिया, पिछले साल वाला पेपर पढ़ के आ जाइए, और पढ़ने की लोड ही नहीं, बाकी धक्के खाते घूम रहे। जब मैंने ये बात उठाई तो उनकी ये पोल खुली, भाई पिछले साल वाले पेपर के 32 सवाल दे रखे हैं, एक सवाल का एक नंबर है मलिक साहब, 33 पास होने के लिए चाहिए, तो क्यों बालकों का बेवकूफ बना रहे हो? आखिर में बोले इन 32 को छोड़ के बाकी गिन लेंगे, ये कौन सी बात हुई? पेपर 100 नंबर का है, 60 नंबर का, अजी बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ नहीं है, बदमाशी है, ये बच्चों के भविष्य को बेचने की साजिश है, और हर रोज ये धंधा होने लग रहा है। और जो ये मेरे बुजुर्गवार बैठे, हमारी विधवा बहनें हैं, हमारे विकलांग भाई बहन हैं, कई
लाख लोगों की, 3.5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और 3 लाख के करीब ऐसे जिनको कहते तुमने फालतू ली थी तारी उल्टी ले मांगे, उनके तलवार टांग रखी, या तो हमारी पर्ची दे दियो नहीं तो जेल भेजेंगे तुम्हें, उनके हाँ उनके वैसे ही मतलब बह बिठा रखे मन, उनके अलग बिठा रखे। एक परिवार परेशान पत्र भी खोल रखा है, परिवार पहचान पत्र तो भाई साहब अब रहा नहीं, क्यों चाहिए साहब? कभी कहते हैं आधार बनाओ, कभी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, कभी कहते हैं राशन कार्ड बनाओ, कभी कहते हैं अब ये आईडी बनाओ, कभी कहते हैं पोर्टल पे अपलोड करो, अब कहते हैं परिवार परेशान पत्र भी बनाओ। तो एक आदमी घर में मानस लुगाई बालक इसी पे लगा रखे हैं सारे, ताकि वो और कोई सवाल सरकार से ना पूछ सके। परिवार परेशान पत्र एक ऐसी बीमारी छोड़ दी, हेलो चल पड़े तो एक ये परिवार परेशान पत्र बना दिया। अब आदमी आप साबित क्यों कर करे कि वो हरियाणा का रहने वाला, फलाने मोहल्ले का, फलाने गांव का, फलानी जात का, फलाने बगड़ का, फलाने परिवार का, फलाने समाज का है। पिछले 2.5 साल से सारा हरियाणा इसी काम पे लगा रखे। जो बीपीएल के हमारे परिवार थे 90 तो चलो जोड़ना दूर की बात है, पिछले वालों के नाम और काट दिए। मुझे कोई बताता 80,000 परिवार काट दिए, कोई 1.25 लाख बताता है, तो मैं कह रहा हूं 80,000 परिवार भी काट दिए हों तो 5 जी तो होंगे एक परिवार में, तो 8×5=40, तो कितने लाख लोगों को कहां जाएंगे? 1 लाख परिवार भी हो और 5 जी भी हो तो 5 से 6 लाख 8 लाख लोग जो हैं आज वो धक्के खाते सड़क पे घूमने लग रहे हैं। मेरे बुजुर्गों साथियों, ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये जंग केवल और केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो इसे केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई मानते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाए नौकरियों की फिर बंदरबांट हो जाए, उसका फायदा क्या आपको? सत्ता परिवर्तन हो जाए अफसर फिर आपको परिवार परेशान पत्र में परेशान करते रहे, आपको उसका क्या फायदा? रणदीप बने कोई और बने आपको उसका क्या फायदा? कुछ साथियों का मुझ में मोह हो सकता है, कुछ साथियों का गुप्ता जी में मोह हो सकता है। जो लोग ये इस प्रकार का नारा देते वो शायद हरियाणा की माटी और संस्कृति को समझते नहीं, वो हरियाणा की समस्या को समझते नहीं। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में जो लगभग 68 साल में जितना कर्जा था उसका 500% और बढ़ गया, यानी 5 गुना और बढ़ गया। पंजाब तो बिकने की कगार पे खड़ा, हरियाणा भी लगभग बिकने की कगार पे खड़ा हो गया है। जब अगला चुनाव आएगा हरियाणा का कर्जा 2 लाख करोड़ को टप जाएगा, यानी हर साल हमें लगभग 19 से 20 हजार करोड़ ब्याज के देने पड़ेंगे। मूल तो अलग बात है मेरी छोटी बहन, कैसे चलाओगे साहब प्रांत? मैं तो ये चाहता हूं सबकी तनख्वाह 25-25 हजार हो जाए जो घर बैठा है, पर प्रांत भी चलाना है, इन बच्चों की जो अगली पीढ़ी वाले हैं इनकी मदद भी करनी है, तरक्की भी करनी है, सड़क भी बनानी है, यूनिवर्सिटी भी बनानी है, अस्पताल भी बनाना है। इसलिए वादा वो करो जो निभ जाए। झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं है दुनिया में, छोरे देना बहुत आसान है, मिट्टी गोली देना सबसे आसान काम है। कई लोग हैं मिट्टी गोली देने का धंधा करते हैं यहां, कईयों की तो पोल भी खुली दुकान बंद हो चुकी, कई नवे आ गए वो भी यही काम करने लग गए। हमें मिट्टी गोली नहीं देनी, हमें हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करना है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन तो करना ही है। राहुल गांधी जी
मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कहते थे, मैं आज मोदी जी से पूछता हूं, आप बना सकते हैं किसी दलित को बीजेपी का अध्यक्ष? बना के दिखाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो करके दिखाया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गरीबों के, दलितों के, एक गरीब माडिगा रविदासिया परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस का प्रधान है। बहुत तजर्बेकार व्यक्ति, जब वो आते हैं तो सोनिया जी भी उनके सम्मान में, राहुल गांधी जी भी खड़े हो जाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, मैं पहले बोलूंगा, खड़गे साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बात बोलेंगे। हर चीज में उनका हुक्म, उनकी राय चलती और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये कांग्रेस है। मैं आज आपसे कहता हूं, हरियाणा में भी हमें केवल सरकार नहीं बदलनी, हमें व्यवस्था भी बदलनी है। अगर हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो हमें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। ये लड़ाई केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ बने, ये लड़ाई इसलिए होनी चाहिए, जैसे हमने कर्नाटक में गरीब के लिए सरकार बनाकर दिखाई, किसान के लिए सरकार बनाकर दिखाई, महिला और नौजवान के लिए सरकार बनाकर दिखाई, कांग्रेस की अगली सरकार भी उनकी हो, छोटे छोटे दुकानदार की हो। और उसके लिए जरूरी है कि हाँ, आप सब संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। मैं मेरी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया कि जब तक खून का आखिरी कतरा रगों में है तब तक खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लड़ेंगे और कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय पर फहरा कर दिखाएंगे। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक इलाके में जाएंगे और एक नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे, एक नई कांग्रेस का गठन करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम।